अब हमको और कोई चारा नजर आ नहीं रहा जाति जनगणना को लेकर। बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जाति जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री को भी बहुत वक्त चाहिए, कोरोना के वजह से जनगणना को लेकर कह रहे हैं कि बैठक अभी वापस आ गया, इस वजह से रुक गए। देखिए, आप सब लोग जान ही रहे हैं कि दो बार हम लोगों के प्रयास से, राष्ट्रीय जनता दल के प्रयास से, आदरणीय हमारे नेता लालू जी के प्रयास से, दो बार जाति जनगणना का प्रस्ताव जो है बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद से पास हुआ। और हम लोगों के प्रयास से हम लोगों ने प्रस्ताव बिहार विधानसभा में रखा और प्रधानमंत्री से भी मिल कर के आए। अब हमको और कोई चारा नज़र आ नहीं रहा जाति जनगणना को लेकर के। केवल एक ही चारा नज़र आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जाति जनगणना को लेकर के करनी पड़ेगी। तेजस्वी जी, एक सवाल है, आज आपने पेपर लीक पे बयान दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने बयान दिया, कहा तेजी से कार्रवाई हो रही है, बहुत जांच हो रही है, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि क्या जांच हो रही है, और 24 घंटे में पुलिस को मामला सौंपने के बाद भी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम तो सुबह ही इस पर बोले थे कि सब दुखद है, हम लोग को पर्सनली भी ठेस पहुँचता है। और सोचिए, जो बाहर से जो परीक्षा देने आए हैं, पूरे देश भर में बदनामी बिहार की हो रही होगी कि वहाँ का ऐसा लाचार सिस्टम है, बीमारू सिस्टम है, जिसने भ्रष्टाचार के पूरी तरीके से भ्रष्टाचार जो है पूरे सिस्टम को जकड़ लिया है। अब इसमें नुकसान किसको है? बिहार का है, बिहार के भविष्य का है, नौजवानों का है, छात्र छात्राओं का है। पूछने पर बड़े मेहनत के बाद, पैसे खर्च करने के बाद भी उनको जो इनाम मिलना चाहिए, जो परिणाम जिस प्रकार का आना चाहिए, वो नहीं आ पाता है। परीक्षा रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है। हमने तो ये भी बोला, अपने खर्चे से बेचारे लोग आए हैं इस महंगाई में, जहाँ पेट्रोल डीजल इतना महंगा, कम से कम 5,000 तो किराया रख देते हो। हम लोगों ने तो ये भी कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि कभी भी कहीं भी परीक्षा होगी कोई सी भी नौजवानों के लिए, तो हमारी सरकार आएगी तो वो व्यवस्था करवाएगी ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन ये सरकार में वो भी नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई, कोई पहली बार पेपर लीक तो हुआ नहीं है, बीपीएससी में हुआ, लेकिन पहले और कितने बोर्ड वाले में होता है, हर सब्जेक्ट के पेपर के पहले पेपर लीक होता है, सर्कुलेट होता है, अब तक किस पे कार्रवाई? शुरू से अब तक हमने बोला ना, कितने घोटाले हुए, इतना सब कुछ हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, अपराध हुआ, ना सुनवाई होती है ना कार्रवाई होती है। हमारा तो यही एजेंडा था ना कि भाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार जो है हम देंगे। अब तो लोग जो हैं वो भुगत रहे हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, कोई उपाय नहीं है। कब होगा परीक्षा? होगा तो उसमें भी पेपर लीक ना हो जाए, ये चिंता जो है बनी रहेगी लोगों की। इस चिंता को कौन दूर करेगा? जिनका उम्र ख़त्म हो रहा है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो ये तो सारा मसला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।